हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक नई बोर्ड मार्केट में अभी आई हुई है। हो सकता है आपके पास मिल रही हो या नहीं मिल रही हो। इस बोर्ड का नंबर है T.R.67.03। अब आप बोलोगे कि सर, इस बोर्ड की आपने वीडियो बनाया, क्या खासियत है? तो इस बोर्ड की खासियत मैं बता दूं। इस बोर्ड की खासियत है कि ये जो रिमोट दिख रहा है आपको, चार, यानी एक चाइना का, एक एलजी का, एक सोनी और एक सैमसंग, ये चारों जो रिमोट है ये एक साथ ही इसको साथ वर्क करेगा। यानी कोई आपको की चेंज करके रिमोट वर्क नहीं कराना होगा। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि इसकी जो थीम है वो कुछ अच्छी लग रही है, T56U11.2 से, मतलब अलग तरह का डिस्प्ले और थीम बनाया गया है। इसके साथ साथ इसकी रेजुलेशन कोड क्या है और सर्विस मोड क्या है, और मैं आपको ये चारों रिमोट एक साथ वर्क कर रहा है वो दिखाऊंगा। कोई प्रेस आपको नहीं करना पड़ेगा, कोई इनपुट प्रेस नहीं करना पड़ेगा, कोई नहीं, यहाँ तक कि हमने यहाँ पर की फंक्शन भी हटा दिया है, जो कि ये नहीं है, सिर्फ सेंसर है। और एक जो आई हुई है एक डिजिटल मीटर, ये मीटर देख लो, ये जोई की है, बहुत अच्छी मीटर है। इस मीटर की खासियत है कि ये मीटर जो है PF रेजिस्टेंस MFD कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू बहुत अच्छा बताता है। बहुत लोग का सवाल था कि सर, कोई मीटर बताइए कम दाम में, कम प्राइस में, कि मैं रेजिस्टेंस PF और MFD यानी कैपेसिटर की वैल्यू एक अंदाज, यानी एक 10% 5% टॉलरेंस लेकर अगर चलेंगे तो एक लमसम जो उसकी करीब में जाए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमें एक PF पेपर फिल्टर, एक MFD और एक रेजिस्टेंस, तीन चीज़ मैं लेकर यहाँ पर रखा हूँ। इस मीटर से हम मापेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या बता रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो नए हैं, जो ट्रेनिंग करके कहीं आए हैं, उनको पता नहीं, बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आता है कि सर, हमने अभी अभी इसी महीने एक सेमिनार अटेंड किया, वहाँ पर 50-55 आदमी था, मेरे को पता नहीं चला, कुछ समझ नहीं पाया, माइक पे और प्रोजेक्टर पे दिखाया गया है, मैं सोचता हूँ कि आपके पास फिर दोबारा एक ट्रेनिंग ले लूँ। तो ये परिस्थिति में आप ना फंसे, इसीलिए आपको याद रखना होगा कि मेंबर कितना है और वो ट्रेनिंग जो होगी कितनी मेंबर में होगी, समय कितना दिया जाएगा, हमारा सवाल जवाब मिलेगा कि नहीं। हमारी ट्रेनिंग 15 मेंबर की होती है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है, 15 से कम चलता है। अगर आप कोलकाता में सीट बुक करना चाहते हैं, 9874622670 पर सीट बुक करा ले, पहले अपना सीट बुक करा ले। ये ट्रेनिंग 5 से 9 तारीख को होगी, अगले महीने, ठीक अगले महीने ही मुंबई में भी ट्रेनिंग है, 20 से 24, 5 दिन के लिए, 8828610128, और हैदराबाद में नवंबर में है, 707553-8039, जहां पर आपको ट्रेनिंग लेना है आप वहां पर ले सकते हैं। पहला A to Z प्रैक्टिकल, कोई प्रोजेक्टर पे नहीं, कोई लिमिटेड सीट नहीं, मैं लिमिटेड भी नहीं, बहुत लोग को फ़ोन करोगे कि सर मेंबर कितने होंगे तो कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पर हमारा जो मेंबर है कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। और ऑल इंडिया हमारी ट्रेनिंग सेम फी और 5 डे की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर 4 दिन हो रहा है, यहाँ पर 5 दिन, यहाँ पर इतनी फी, वहाँ पर इतनी फी, सब जगह आपको एक समान फी मिलेगी। हम लोग आगे बढ़े और इस बोर्ड को पहले लाइन दे। देखो, मैं ज़्यादा समय न लगा रहा हूँ।
क्योंकि इसकी ऑलरेडी वीडियो बहुत काफ़ी है T56 U11.2 पर, आपको ठीक इसी तरह से आना होगा और आने के बाद मैं इसको लाइन दूंगा और लाइन देने के बाद यहाँ पर आप पकड़िए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये स्टैंड बाई हमारी जल रही है और ये चाइना रिमोट से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया। यहाँ पर आपको LG की लोगो है, LG दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हमें इस LG की रिमोट से मैं वॉल्यूम को प्लस माइनस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी जो LG की रिमोट से है जो माइनस हो रही है। मैं फिर इस रिमोट को रख दिया और अब हमने सोनी रिमोट आया, सोनी रिमोट को मैं मेनू फंक्शन ऑन कर रहा हूँ और आप इस मेनू को देखेंगे। देखिए दोस्तों ये सोनी की रिमोट जो कि हमारी मेनू वर्क कर रही है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इसकी एक नया थीम, नया डिस्प्ले इस तरह से, और ये हमारी सोनी की रिमोट वर्क कर रही है। मैं एक बार आपको फिर से दोबारा ऑन ऑफ करके दिखा दूँ। देखिए टीवी ऑफ हो गया और ये हमारी टीवी ऑन हो गई। अब यहाँ पर रहा हमारी सैमसंग की रिमोट, मैं एक बार सैमसंग की रिमोट से भी आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम कम और ज़्यादा, यानी ये चारों रिमोट जो है एक साथ हमारी वर्क कर रही है और इसकी सर्विस मोड है हमारी इनपुट और 208। इसकी रेजुलेशन आप नोट कर सकते हो, इसकी रेजुलेशन आपको इनपुट 03661 से लेकर 661 से लेकर 7 तक, यानी इसकी बीच की जितनी रेजुलेशन है इनपुट 03661 662 663 664 667 और इसकी सर्विस मोड है इनपुट 208। अब यहाँ पर हम लोग इस मीटर की देख लें कि ये जो मीटर आई हुई है दोस्तों, ये सब वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ कि आप लोग की परेशानी ना हो। और हम यहाँ पर इस मीटर की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो कि यहाँ पर आपको PF, डैड, रेजिस्टेंस और बजर में दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद हम इसको होल्ड करके इसकी लाइट को ऑन कर लेंगे और हम अब इसकी सेल के सहारे सेलेक्ट करेंगे कि हमको क्या देखना है। तो यहाँ पर डैड की रेंज है, यहाँ पर हमारी PF और कॉन्डेंसर। चलो हम एक बार इस PF को मापते हैं कि ये कितनी वैल्यू की है, वहाँ पर दिखाइए। देखिए उसने ऑटो डिटेक्ट किया 48.13, यानी ये 47 की PF है। अब हम ये हमारी कैपेसिटर जो है इसको देख लें क्या डिटेक्ट कर रहा है। यानी 10 mFD, और ये हमारी कैपेसिटर भी 10 mFD की ही है और ये हमारा मीटर भी इसको 10 mFD ही बता रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार मीटर में भी दिखाइए, मीटर में देखिए दोस्तों ये हमारी 10 mFD के लिए 10 mFD शो हुआ। और ये एक हमारी रेजिस्टेंस है तो मेरे को सेल में जाकर फिर रेजिस्टेंस में सेलेक्ट करना होगा और इसमें आपको के ओम्स और मेगा ओम्स तीनों एक साथ ऑटो डिटेक्ट होगा जो होगा। यहां पर हमको दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस लगभग, यहां पर नीचे रखिए हाथ दिखाइए वहां पर मीटर में, ये लगभग हमको दिखाई दे रहा है 998 कभी 99 कभी 1, यानी ये हमारा 1 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस है। देखिए 1 यहाँ पर एम और ओम्स मेगा ओम्स दिखाई दे रहा है और ये हमारी शायद क्या ये 1 मेगा ओम्स की ही रेजिस्टेंस है, यानी ये मीटर जो है हमारी परफेक्ट काम कर रही है। ओके दोस्तों बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।